अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज शुएब मंजूर और ITBadshah.com की जानिब से हमारा वेबसाइट के कोर्स में खुश आमदीद। सो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वर्ल्ड प्रेस का, यहाँ पर पार्ट वन इसका आ जाता है और इसमें हम देखते हैं कि हमें वर्ल्ड प्रेस के अंदर क्या चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसका जो डैशबोर्ड है, इसका तो मैंने आपको मुकम्मल इसका बता दिया, तारुफ करवा दिया कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट्स की ऑप्शन है, इस पर हम अगेन क्लिक कर देते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसका बता दिया। यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक वर्जन जो है उसको ऑलरेडी किया हुआ है, अगर वो आपको कुछ इश्यूज़ वगैरह दे रहा है तो आप उसको अगेन री इंस्टॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज इसकी हमें वो क्या कहते हैं इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक अगेन कर सकते हो, ये क्या करेगा आपको चेक करके बताएगा कि वर्ल्ड प्रेस का कोई नया वर्जन अभी आया है या नहीं। अगर आया है तो वो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि आपके पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका वो चल रहा है। फिर यहाँ पर अपडेट्स में क्या होता है कि आप प्लगइन्स जो हैं वो भी अपडेट्स कर सकते हो, थीम्स भी कर सकते हो, ट्रांसलेशंस जो हैं उनको भी आप कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि हमारे थीम्स प्लगइन्स वगैरह जो सारा कुछ है वो ऑलरेडी अप टू डेट है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं और ये बता दूँ कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये होती है विजिट साइट। ये तो हमारी साइट का बैक व्यू है, तो यहाँ पर से हम क्लिक करके फ्रंट व्यू जो है इसका वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू इसका आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट ऑप्शन पोस्ट की। पोस्ट के ऊपर जैसे आप आओगे तो एक आगे जो है इसके टूल बार जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें चार ऑप्शंस आ रही हैं, टैग्स, कैटेगरीज, ऐड न्यू और ऑल पोस्ट। तो यहाँ पर इस पर ऑल पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो बता रहा है कि अभी तक एक ही पोस्ट जो है वो की हुई है आपके ब्लॉग के ऊपर। तो ये क्या करते हैं वर्ल्ड प्रेस वाले, जब वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक कमेंट भी आपके वर्ल्ड प्रेस के ऊपर कर देते हैं, एक पोस्ट भी कर देते हैं जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको व्यू हम करते गए हैं तो इस पोस्ट के अंदर कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, सिंपल ये हमारा ब्लॉग है और ये इसका टाइटल है और बता रहे हैं जस्ट वेलकम, हमें कर रहा है वेलकम करने के लिए और इसी के लिए इसी के नीचे ये जो है एक कमेंट होगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये खुद ही आ जाता है। तो इसको हम जो है हम जब एक इस तरह की पोस्ट हुई होती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक एडिट की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। क्विक एडिट की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहां से आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहां पर इसका टाइटल हेलो वर्ल्ड या दिया हुआ है तो मैं यहां पर टाइटल चेंज कर देता हूं। तो ये मैंने इसका टाइटल डाल दिया और इसके बाद इसकी स्लग इसकी ऑप्शन आ जाती है। तो इसको ये चीज़ क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम वेबसाइट पर जाते हैं ITBadshah.com पर, यहाँ पर कोई चीज़ ओपन करते हैं तो ये साइट के बाद जो पोस्ट आ जाती है, वेबसाइट कोर्स इंट्रोडक्शन, ये जो बीच में सारा कुछ आ रहा है तो ये इसका सिलेक्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको आप मतलब चेंज भी कर सकते हो, मज़ीद ऐड करना है तो आप यहाँ पर कुछ ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी आगे लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा इसकी डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर पासवर्ड लगाकर इसको प्राइवेट भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज अभी मौजूद नहीं है, टैग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये इतनी आप इसके अंदर चेंजेस जो है आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये क्विक एडिट की ऑप्शन क्यों दी हुई है कि क्विक एडिट से क्या होता है कि आप पोस्ट को यहाँ से एडिट करेंगे तो ये फुल एडिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फुल ओपन नहीं करना चाहते, बाहर बैठे बिठाए जो है आप इसको थोड़ा बहुत एडिट करना चाहते हो, तो इसके लिए इन्होंने थोड़ी सी ऑप्शन दी हुई हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एडिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये फुल पोस्ट जो है ये रिलोड होकर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास फुल ऑप्शन इसकी आ गई हैं, आप इसके अंदर जितनी भी हैं सारी की सारी चेंजेस जो हैं आप वो कर सकते हो। तो इसको मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर जो है जो हमने टाइटल चेंज किया था वो टाइटल आ गया, वर्ल्ड प्रेस कंप्लीट कोर्स। ठीक है, ये टाइटल इसका आ रहा है। तो ये पोस्ट जब होती है, जब हम एक नई पोस्ट भी करते हैं तो उसके अंदर भी यही सारा कुछ होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी दूसरी ऑप्शन पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू करते हैं। तो ऑल पोस्ट की ये जो ऑप्शन थी ये किस लिए थी कि जितनी भी आप पोस्टिंग करते जाओगे वो सारी पोस्टिंग यहाँ पर इकट्ठी होती जाएंगी। ऐड न्यू पर आते हैं, यहाँ से आप एक नई पोस्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हो।
ठीक है, लाइक यहाँ से हम एक पोस्ट जो है खुद बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पोस्ट बना देता हूँ, यूट्यूब कंप्लीट कोर्स बाय श्वे मंजूर। ये हमने कर दिया। ये करने के बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये एक और टूल बार जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, अब आपके पास ये पांच छह ऑप्शंस आ रही हैं, सॉरी 8-10 या इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड मीडिया की ऑप्शन है तो इसके ऊपर ये सॉन्ग टाइप का भी बना हुआ है और इमेज टाइप का भी, तो यहाँ से आप सॉन्ग या इमेज जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से आपने सेलेक्ट फाइल करना है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और जो है मैं यहाँ से उसको अपलोड करूँगा। श्वे मंजूर में जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ थंबनेल्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप ऑडियो सॉन्ग जो होता है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो लेकिन ये है कि ये नहीं चीज़ करनी कि आप एक घंटे की पूरी मूवी अपलोड करनी स्टार्ट कर दो तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, वो आपको दूसरी साइट्स पर अपलोड करनी पड़ेगी, सीमपल वगैरह में। और आगे जाकर हम अपलोडिंग वीडियो अपलोडिंग की साइट बनाएंगे तो वो भी जो है वहाँ पर उसकी एडिटिंग होती है। तो यहाँ से जो है आपने इसको करके इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना, तो ये चीज़ जो है आपके पोस्ट के अंदर आ जाएगी। अब एक चीज़ और आपने यहाँ पर ख्याल करना है कि ये जो है इमेज छोटे साइज़ में आई है, जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो इसका आपने साइज़ जो है वो देखना होता है। इसको हम कट करते हैं और इसको ऐड मीडिया अगेन करते हैं, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते हो, जितना भी कुछ आपने पीछे अपलोड किया होगा वो यहाँ पर आ रहा होता है। इसको यहाँ पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपने इसको नीचे करना है और ये साइज़ आ रहा होता है, तो यहाँ पर आपने टाइम इसका फुल साइज़ जो है ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक कर देनी है और इंसर्ट कर देना। अब ये फुल साइज़ में जो गया हो जाएगा और इसके बाद ऑटोमेटिकली सारी जो तस्वीरें होंगी वो फुल साइज़ में अपलोड होती जाएंगी। तो इस तरह से ये जो गया आप इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है कि हम इसके अंदर वीडियो लगाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो आगे चलकर हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम एक पोस्ट बनाने चाह रहे हैं तो हम एक इसको मुकम्मल पोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैं अपना चैनल ओपन करूँगा, वहाँ से हम जो है यूट्यूब की पोस्ट सॉरी वीडियो जो है उसका एम्बर कोड उठाते हैं और उसको वीडियो के अंदर लगा देते हैं। यहाँ पर मैं वीडियोस में आता हूँ और यहाँ पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में यूट्यूब से पैसे कमाए। अब जो है ये वीडियो है, यहाँ से हम इसका कॉपी एम्बर कोड कर लेते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर पर आते हैं तो यहाँ से भी एम्बर पर जाकर हम ये जो है इसका एम्बर कोड कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद मैं वापस आता हूँ और ये जो इसका विजुअल के ऑप्शन विजुअल जो आ रहा है, इसका विजुअल के अंदर क्या होता है कि आप एक जाहिरी काम जो होता है वो आप कर सकते हो। मसलन यहाँ पर फोटोज़ वगैरह डाल सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हेडिंग वगैरह दे सकते हो, लेकिन जो टेक्स्ट होती है ये एक HTML टाइप की ऑप्शन होती है। तो यहाँ जितना भी कोडिंग का काम होता है, टेक्स्ट होता है, वो सारा यहाँ पर होता है। अब आपने गलती ये कभी नहीं करनी कि विजुअल में आकर आपने वो एम्बर कोड पेस्ट कर देना है। एम्बर कोड हमेशा इसके टेक्स्ट वाले बार में ही आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ये एम्बर कोड मैंने पेस्ट कर दिया, तो अब इधर जाएंगे तो ये वीडियो यहाँ पर मौजूद होगी। अब इधर आए तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए जो है टेक्स्ट वाला जितना भी ये कोडिंग का काम होता है वो सारा आपने यहाँ पर करना है। और आप देखें यहाँ पर आए हैं तो ये सारा कोडिंग आ गया। ठीक है, आगे विजुअल में आते हैं तो ये सारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये करने के बाद यहाँ पर मैं कोई टाइटल डाल देता हूँ, यूट्यूब कंप्लीट कोर्स बाय श्वे मंजूर, इसको अगेन सर टाइप कर देता हूँ। अब ये करने के बाद आपके पास ये जो ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पर पैराग्राफ की आ रही है तो ये आपके सामने है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये टाइटल जो है ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसको करेंगे ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको करेंगे, या आप यहाँ से बोल्ड इसको कर सकते हो, यहाँ से इसको जो है आप
चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसको, ये सारी ऑप्शंस वही हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो होता है उसके अंदर जो यूज़ करते हो। इसको आप करोगे जो ये सेंटर में हो जाएगा, इसके वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इसको करोगे तो ये भी वीडियो भी सेंटर में हो जाएगी। अभी इसको साइड पर किया, ये आप सेंटर में हो गई। ठीक है, इसी तरह से ये जो इमेज है इसको भी आप सेंटर वगैरह में कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये कोई टेक्स्ट है, इसके पीछे आप कोई लिंक, सॉरी, इसके अंदर कोई लिंक आप सेव करना चाहो तो यहाँ से इंसर्ट एडिट लिंक पर आपने क्लिक करनी है, तो यहाँ पर आप उसका लिंक जो है वो आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है लिंक पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। तो अब इस टेक्स्ट के बैक साइड पर जो है एक लिंक आ चुका है। इसी तरह से यहाँ से लिंक रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ से इसका आप टेक्स्ट कलर जो है आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर जो है रेड कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी चेंजेस है जो आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेट आ जाता है कि यहाँ पर आप इसको किस फॉर्मेट करने में करना चाहते हो। अगर आप वीडियो में करोगे तो जो है आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। लाइक जब आप यहाँ पर इसका इमेज करोगे तो लाइक वीडियो करते हो, तो इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पर साइट पर आओगे और यहाँ पर मेन साइट ओपन करोगे, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एकदम से वो जो है ना बैक साइड पर थोड़ा सा वीडियो वीडियो टाइप का जो है आ जाएगा। अगर आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा इसकी इतनी वो जो है ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज का आए थे, कैटेगरीज को फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे चलकर कैटेगरीज का हम अच्छे तरीके से करेंगे ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा टैग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। टैग्स एक तरह की वो चीज़ होती है जैसे कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो आप यूट्यूब में ऐड करते रहे हो, वही चीज़ होती है। फिर सेट फीचर इमेज जो होती है ये चीज़ बड़ी काम की है। ये क्या होती है कि जो आपकी पोस्ट कर देंगे तो साइट पर ये जो इमेज शो हो रही है ये सारी फीचर इमेज हैं। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ पर ऐड नहीं करोगे तो आपकी जो है मेन साइट पर कुछ भी शो नहीं होगा। अब ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है तो ये साइट पर जो है मेन पर ये चीज़ जो है वो शो हो जाएगी। अब इसको मैंने पब्लिश कर दिया पोस्ट को। ठीक है, तो अब पब्लिश करने के बाद देखते हैं कि ये पोस्ट हमारी साइट पर किस तरह से शो हो रही है। अब ये करने के बाद, अभी तो हमने यहाँ पर कोई थीम वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी वो उस तरह से नहीं आ रही। तो जब इसको थीम वगैरह लगाएंगे तो सारा सेट हो जाएगा। अभी इसका हमने ये इमेज लगाई, इमेज भी आ गई, नीचे हमने ये चीज़ लगाई ये भी आ गई। ठीक है, और जो है इमेज ये वाली लगाई थी हमने, ये उन्होंने फीचर्ड इमेज पकड़ ली है तो कुछ सेटिंग्स करने वाली हैं। नीचे आकर ये जो हमने वीडियो लगाई ये वीडियो आ गई। इसके अलावा इसके पीछे हमने लिंक लगाया था तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये लिंक वो वाला ओपन हो गया। तो इसी तरह से ये जो है ये वीडियो इसको हम अपनी साइट पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही हैं और कुछ भी इन सारी चीज़ों में मुश्किल नहीं है। तो ये मैं बताने का मकसद इनमें ये था कि आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि आप किस तरह से वो जो है पोस्ट कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किस तरह से पोस्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप पोस्ट को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, पब्लिश करने से पहले आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो कि वो किस तरह से आपकी पोस्ट लग रही है। उसको पहले आप प्रीव्यू करते हो, अगर आपको ठीक लग रही है, कुछ चेंजेस करनी है आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से इमेज का जो साइज़ है आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पकड़ कर आपने उसको छोटा कर देना, यहाँ से पकड़ कर आप उसको बड़ा कर सकते हो। इसी तरह से ये जो है वीडियो का साइज़ अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से कोडिंग में आकर जो है यहाँ से इसकी जो है हाइट वगैरह जो है वो आप सारा कुछ चेंज करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये सारा काम अगर आपने HTML आपको आता है तो आपको ये सारा कुछ आता होगा, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये सारा कुछ इजी हमारे लिए इसलिए बन जाता है कि हमारे पास विजुअल की ऑप्शन मौजूद होती है। तो सारा काम यहाँ पर हम इजीली करते जाते हैं और हमारे टेक्स्ट के अंदर जो है खुद ही उसकी जो है कोडिंग HTML जो होता है सारा वो खुद ही बनता जाता है। तो शुएब मंजूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वहाँ पर हम कैटेगरीज और टैग्स को देखेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं और ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।